कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो 4NK स्टॉक मार्केट के तहत आज मैं एक ऐसी कंपनी को लाया हूं जो बहुत कम दिन रह गए कि वो एक कंपनी के अवज में इन्वेस्टर को 5 कंपनी फ्री में मिलेंगी। कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। अनिल अग्रवाल इसके कर्ता धर्ता है, चेयरमैन है, और इस कंपनी का BSE कोड नंबर है 500296, एनएसई सिंबल है BEDL। इसका करंट मार्केट प्राइस 433 है, इसका 52 वीक्स लो 207 है, हाई 506 है, इसका मार्केट कैपिटल 1,69,000 करोड़ के ऊपर है। ये जो कंपनी है ए ग्रुप की कंपनी है, और इसका जो इंडेक्स है BSE 100 है, बुक वैल्यू 92 रुपीज है, PE 43 है, ROC 21% है, ROE 10% है, करंट मार्केट प्राइस 433 है, प्रोमोटर के पास 60% है, FII के पास 10% है, DII के पास 15% है, पब्लिक के पास 15% है, और जो ये इंडस्ट्री है ये है डाइवर्सिफाइड मेटल। तो ये अनिल अग्रवाल पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि हम वेदांता लिमिटेड एक कंपनी के अवज में 5 दूसरी कंपनीज देंगे, डीमर्जर करेंगे इसमें से, और वो कंपनी BSE NSE में लिस्टिंग होंगी। यानी कि आज जो वेदांता का एक शेयर लेके बैठा है या खरीदता है तो आने वाले दौर में शायद दिसंबर तक एक शेयर की जगह मजीद 5 शेयर मिलेंगे, यानी 6 शेयर हो जाएंगे। अभी जो 5 कंपनी जो वेदांता से निकल के अलग होने वाले, डीमर्जर होने वाले, जो इन्वेस्टर को फ्री में मिलने वाले, तो उनके नाम भी सुन लीजिए। नंबर 1 है वेदांता अल्मोनियम, 2 वेदांता ऑयल एंड गैस, 3 वेदांता पावर्स, 4 वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, और लास्ट 5th वेदांता बेस मेटल। मैंने इस कंपनी की अच्छी होल्डिंग 226 रुपए में लेके रखा हूं, और ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-6 महीना ही हुआ है, मेरा पैसा 4-6 महीने में डबल हो गया। 433 आज चल रहा है, 500 रुपया भी जाकर आया, लेकिन मैंने कोई शेयर्स बेचा नहीं। अगर इसमें और 25-50 रुपए की गिरावट होती है तो मैं और खरीदूंगा और इससे मैं लेके बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है नवंबर दिसंबर में जब ये डीमर्जर होगा, वेदांता का डीमर्जर होगा, तो उस टाइम पे वेदांता का जो ये 433 का जो शेयर है ये आराम से 750,000 रुपए टच हो जाएगा, क्योंकि अब सबको मालूम पड़ गया, वेट करने की जरूरत ही नहीं। वो दिन आ गया कि एक वेदांता के अवज में 5 मजीद कंपनी मिलेंगे। इसके लिए ऐसी कंपनी का चयन करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और मैं इन्वेस्टर से कहूंगा कि व्यूअर से कहूंगा कि वेदांता लिमिटेड में जरूर इन्वेस्ट करो, मगर उससे पहले अपने जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उससे सलाह मशवरा कर लो, खुद की स्टडी कर लो, स्क्रीनर पे जाके तहकीकात करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पे जाके उसकी तहकीकात करो, उसका अनाउंसमेंट देखो, उसका चार्ट देखो, जैसा मैंने बताया, पूरी तहकीकात करो, और थोड़ी थोड़ी मिकदार में इससे इन्वेस्ट करो, क्योंकि 433 कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपया कम नहीं। एक वेदांता के अवज में हमें 5 कंपनी मजीद मिलेंगी, तो हो जाएंगी 6 कंपनी। अल्मोनियम का इसका बिजनेस, मेटल का बिजनेस बड़े फॉर्म में है, तो मैं इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी तहकीकात करने के बाद, प्रॉपर स्टडी करने के बाद वेदांता लिमिटेड में जरूर इन्वेस्ट करो, मेरे कहने पे नहीं, इसके उसके कहने पे नहीं, खुद स्टडी करो, क्योंकि पैसा आपका है, फिर इसकी राय मशवरा नहीं हम दे रहे, यूट्यूब के तहत हम एडवाइस दे रहे, तो आप भी स्टडी करो, सब पढ़े लिखे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह मशवरा लो, अब जरूर इन्वेस्ट करो। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और आने वाले दौर में बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे, और हमें तो ये देखना कि हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है। शेयर बाजार में पैसा लगा के हमें अगर 6 महीना, साल, 2 साल में एक अच्छा प्रॉफिट होता, तो इससे अच्छा प्रॉफिट कहां मिलने वाला। आप एक शेयर खरीदो, एक शेयर के साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टर व्यूअर्स इसकी स्टडी करके वेदांता लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे। मेरी बात का पूरा यकीन मत करो और कल ही जाके मत खरीदो, क्योंकि मैं सेबी का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज वैल्यूएबल, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।